टाइप वन नेचर वन, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। इस पर्टिकुलर टाइप में हम किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में रेशियो इस्टेब्लिश करना सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम्स एज इज 5/4 ऑफ श्याम एज। हियर देयर इज गिवन वन रिलेशनशिप बिटवीन द एज ऑफ राम एंड श्याम। सो राम एज इज 5/4 ऑफ श्याम, राम की एज श्याम की एज का 5/4 गुना। सो वी कैन राइट डाउन इट, जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि राम की एज श्याम की एज का 5/4 गुना है। अब आपको यहाँ पर से रेशियो फाइंड आउट करना राम की एज और श्याम की एज का, तो आपको यानी आर अपॉन एस, राम और श्याम की एज का रेशियो यानी आपको आर रेशियो एस बताना है, यानी आपको आर अपॉन एस फाइंड आउट करना। तो आप देखेंगे आर अपॉन एस यहाँ पर से कितना हो जा रहा है, 5/4, यानी आर रेशियो एस राम और श्याम की एज का रेशियो कितना, 5:4। अल्टरनेटिवली यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसा है तो आप यहाँ देखो कौन किसके साथ जा रहा है, ये आर के साथ कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो आर के साथ कौन आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर आपका एस के साथ क्या आ रहा, 5 आ रहा। बट जब हम रेशियो निकालते तो उल्टा हो जाता, जब आपका आर और एस का रेशियो निकालेंगे तो जो आर के साथ जा रहा है वो एस के साथ चला जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर जो आर के साथ आ रहा था 4 वो एस के साथ चला गया, और जो एस के साथ आ रहा था 5 वो किसके साथ चला गया, आर के साथ। तो आप सीधे यहीं पर से देख के अपना आंसर दे सकते हो कि आर रेशियो एस कितना होगा, 5:4 होगा। बस ध्यान रखिएगा ऑर्डर का, अगर यहाँ पर आपका श्याम का रेशियो पूछा जाएगा राम से तो उस केस में ये आपका कितना हो जाएगा, 4:5। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका आंसर कितना है इसका, 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीना की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 7/4 टाइम ऑफ द एज ऑफ हर मैरिज टाइम्स एज, बट नेचुरल प्रेजेंट एज ज़्यादा होगा, तो प्रेजेंट एज का मैरिज की टाइम जो एज थी उससे क्या कोरिलेशन है, ये आपका बताया गया 7/4 टाइम है। यानी अगर मैरिज के टाइम पर एज उसकी 4 थी तो प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, 7 है। आप समझिए प्रेजेंट एज आपका 7 होगी अगर मैरिज के टाइम की एज कितनी थी आपका, 4 थी। आप यहीं पर से समझ सकते हो कि आपको अगर आपका बताना है कि इस समय प्रेजेंट एज और मैरिज के टाइम की एज के बीच का रेशियो कितना, तो आपको ये पता चल चुका है कितना होगा, 7:4 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7:4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड नंबर। सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इसको ऐसे देखें, सेलिंग प्राइस किसी पेन की क्या है, 4/3 टाइम ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, अगर किसी चीज़ की सेलिंग प्राइस 4 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3 है। यानी आपको आपका यहाँ पर से CP और SP का रेशियो बताना, तो ध्यान दीजिएगा CP रेशियो SP, CP आपका अगर 3 है तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी, 4 है। अल्टरनेटिवली आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, आप CP/SP निकाल सकते हो, तो CP/SP जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, यानी CP और SP का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। सर्टेन प्राइस ऑफ अ थिंग इज 13/7 ऑफ दियर सेलिंग प्राइस। कोई पर्टिकुलर वस्तु है उसका सर्टेन प्राइस, हम उसको CP मान लेते हैं, CP इज इक्वल टू 13/7 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अगेन आप देखो यहाँ पर से आपको चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस और सर्टेन प्राइस के बीच का रेशियो, यानी आपको चाहिए SP/Certain Price, हम CP माने ले रहे हैं, तो SP/ ये क्या हो जाएगा, आप इसको इस्टेब्लिश कर सकते हो। आप देखो CP अगर इसकी सर्टेन प्राइस अगर 13 है तो आपका सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 7, तो ये जो रेशियो आपका होगा वो कितना होगा, 7/13। वैसे ही बताया था आपको CP के साथ कौन जा रहा है, अगर हम CP के साथ बात करें तो CP के साथ आप यहाँ देख रहे हो ये मल्टीप्लाई होगा, ये आपका मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो साथ में आ रहा होता है रेशियो जब निकालते तो हमेशा वो दूसरे के साथ चला जाता है। यहाँ पर SP 13 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब रेशो निकालेंगे CP/SP का तो ये जो 13 है वो SP के बजाय किसके पास चला जाएगा, CP के पास। तो आपको ये ध्यान रखना बस, और यहाँ से SP और CP का आपको बताना था रेशो कितना हो जाएगा, तो रेशो हो गया 7:13। इन द सोल्यूशन ऑफ अ सुगर एंड वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 6/13 ऑफ टोटल सोल्यूशन। यहाँ वाटर आपको बताया गया है दैट इज 6/13 ऑफ टोटल सोल्यूशन। ये टोटल सोल्यूशन किस चीज़ का है, टोटल सोल्यूशन आपका शुगर प्लस वाटर का है, यानी अगर आपका टोटल सोल्यूशन 13 है तो उसमें से वाटर कितना, 6 है।
तो टोटल सॉल्यूशन अगर आपका 13 है उसमें से वाटर 6 है, तो शुगर कितना हो जाएगा? आपको पता चल गया शुगर की क्वांटिटी कितनी होगी, 7। तो अब आपको यहाँ पर से शुगर उस आपको रेशियो बताना, शुगर इज़ टू वाटर का, शुगर आपको पता चल चुकी है 7 और वाटर कितना 6, तो आपका रेशियो यहाँ से हो जाएगा कितना, 7:6 का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक बॉक्स है उसमें 1 डजन ग्लासेस हैं, इनमें से कौन सा रेशियो आपका ब्रोकन और अनब्रोकन के बीच का नहीं हो सकता? अगर ये बॉक्स गिर गया, उसमें से कुछ टूट गए हैं शीशे, तो कौन सा रेशियो आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल आपका 1 डजन यानी आपका 12 है। तो जब रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर से आप जब सम ऑफ रेशियो निकालते हैं तो देखिए सम ऑफ रेशियो कितना आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर से टूटे हुए और बिना टूटे हुए, ब्रोकन और अनब्रोकन की, तो अगर ये ब्रोकन है और ये अनब्रोकन है तो अगर इनके बीच का रेशियो 2:1 है, तो यहाँ से टोटल कितना बना, टोटल आया 3, और हमारे पास टोटल कितना है 12। देखिए आपका 12 की टेबल में 3 आता है, ये हमारा हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका दिया 3:1, तो 3:1 अगर ब्रोकन 3 है, अनब्रोकन 1 है, तो टोटल कितना आया 4, हमारा टोटल कितना है 12, यहाँ पर भी आपका 4 की टेबल में 12 आता है। बट अगर हम आपका सी ऑप्शन की बात करें तो ब्रोकन और अनब्रोकन जो कि 3:2 के रेशियो में, यहाँ टोटल आया 5 और 5 की टेबल में 12 नहीं आता, इसका मतलब आपका ये हमारा रेशियो नहीं हो सकता है। एंड द लास्ट वन 7:5 है, यहाँ पर आपका टोटल 12 है और 12 की टेबल में 12 आता, तो यानी ये भी रेशियो पॉसिबल है। तो ध्यान दीजिएगा आपसे जब भी कभी पूछा कि कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं, तो आपका टोटल जो आपका है वो टोटल आपका यहाँ पर जस्टिफाई करना चाहिए। यानी अगर हमारे पास 1 दर्जन शीशे हैं तो जो रेशियोज गिवेन है उनका जो टोटल है वो यहाँ पर इसके साथ जस्टिफाई करना चाहिए, एक आपका इसका मल्टीपल होना चाहिए जो हमारे पास टोटल है। तो 12 आपका इनमें से देखिए, इसका सम 3, इसका भी मल्टीपल, इसका सम 4, इसका भी मल्टीपल, इसका सम 12, इसका भी मल्टीपल, बट ये 5 का मल्टीपल नहीं है 12, इसी वजह से आपका इसका सही आंसर 3:2, जो कि एक पॉसिबल रेशियो नहीं है। सेवेंथ है, एक कोई क्वान मनी है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए और बी में इस तरीके से कि बी का पार्ट दैट इज 3/7 ऑफ द ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर से आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपको ये आइडिया होना चाहिए कौन किसके साथ जा रहा है, यानी बी को अगर 3 मिल रहा है तो ए और बी कितना है, ए और बी आपका 7 है। अगर ए प्लस बी 7 है और उसमें से बी 3 है, तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू पता चल जा रही है कितना, 4 है। आपसे उसने ए और बी का रेशियो पूछा, तो ए और बी का रेशियो आपको पता चल चुका कितना, 4:3। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले तरीके से। यहाँ पर बी का जो पार्ट है दैट इज द 4/7 ऑफ ए एंड बी, यानी अगर आपका ए और बी 7 है तो बी कितना, उसमें 4। अगर ए प्लस बी 7 है और बी उसमें 4 है, तो ए की वैल्यू आपका निश्चित तौर पर कितनी होगी, 3। आपसे ए रेशियो भी पूछा गया, योर आंसर विल बी 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, कोई स्कूल है जिसमें गर्ल्स आर द 2/7 पार्ट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, तो गर्ल्स जो है दीज आर 2/7 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। इसका मतलब अगर गर्ल्स 2 हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 है। तो यहाँ से आपको बॉयज पता चल जाएंगे, 7-2 यानी बॉयज कितने हो गए, 5। तो यहाँ से आपको बताना है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो बॉयज इज टू गर्ल्स आपको पता है, बॉयज आ चुके हैं 5, गर्ल्स ऑलरेडी पता है कितना, 2, रेशियो हो जाएगा 5:2। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप 1, दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/13 है। मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, इसमें वाटर की क्वांटिटी बताई गई दैट इज 7/13 ऑफ द मिल्क। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपका ये चीज़ आपका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाटर 7 है और मिल्क कितना है, 13 है। आपसे पूछा है दूध और पानी का अनुपात, यानी मिल्क इज़ टू वाटर, तो आपको पता है मिल्क कितना है, 13 है, वाटर कितना है, 7 है। अल्टरनेटिवली आपको यहाँ पर से क्या निकाल लेना चाहिए, आप यहाँ पर से वाटर अपॉन मिल्क निकाल सकते हो, वाटर अपॉन मिल्क कितना हो जाएगा, 7/13, वाटर इज़ टू मिल्क का रेशियो 7/13 हो जाएगा। अगर आपको मिल्क इज़ टू वाटर पूछ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, अगेन आपका मिल्क इज़ टू वाटर कितना हो जाएगा, 13:7।